एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। साकरा जीएम सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता शक्कर पारे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा लिया है। इसकी जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम है हमारा ये दूध है, ये हमारा जितना इस्तेमाल होगा उतना लेंगे। और हमने यहाँ पे चीनी लिया है, ये हमारा 50 से 60 ग्राम के करीब चीनी है। हमने इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी को आप ज़्यादा कर सकते हैं, या कम पसंद हो तो कम कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे 3 टीस्पून हमने यहाँ पे घी लिया है, ये हमारा देसी घी है। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून हमने यहाँ पे सूजी लिया है, ये हमारा बारीक वाला सूजी है। अगर आपका मोटा वाला हो तो आप एक बार मिक्सी में पीस लें। और हमने यहाँ पे ड्राई नारियल पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, वो तो डालें ना तो ना डालें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। और इसमें हम दूध डाल करके पहले अच्छे से चीनी को अच्छे तरीके से इसमें दूध में मिला देंगे, चीनी हमारा घुल जाए। अगर आप पाउडर शुगर लेना चाहते हैं, शुगर पाउडर, तो वो भी ले सकते हैं आप। मिक्सी में पीस लें चीनी को, वैसे भी ले सकते हैं आप। और इसको अच्छे तरीके से मिला देंगे, चीनी घुल जाए दूध में। ये देखिए, ये हमारा चीनी जो है सो दूध में घुल गया अच्छे तरीके से। तो अब इसको साइड करेंगे। हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम मैदा डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे सूजी। इसी के साथ इसमें डाल देंगे घी। ऐसे हमें अच्छे तरीके से मिलाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें मिलाना है। इतना मिलाएंगे इसका ना, थोड़ा मैदा का ना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। इतना हम अच्छे, जितना अच्छे से इसे हम मिलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा ये खस्ता शक्कर पारे बनेगा। इस तरीके से भी करके आप इसे अच्छे तरीके से मिला सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिला दिया है। देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये बिल्कुल इस तरीके से बन रहा है। ये बिल्कुल हमें ऐसे ही मिलाना है। और अब हम इसमें अपना ड्राई नारियल पाउडर डाल देंगे, ऐसे भी डाल करके अच्छे से फिर से मिला देंगे। देखिए, इसमें हमने ड्राई नारियल पाउडर डाल दिया है। और अब इसमें हमने जो चीनी और दूध का घोल तैयार करा था वो डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालना, जितना जरूरत होगा उतना ही डालेंगे। तरीके से मिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, इसमें ऐसे मिलाते जाएंगे। इसे हमें ज़्यादा ढीला डो नहीं तैयार करना है, थोड़ा सा हार्ड सा डो तैयार करना है। और इसमें हमने जो घी डाला है, आप भी घी ही डालें, क्योंकि जो भी खस्ता वाली चीज़ होती है उसमें घी डालते हैं तो वो ज़्यादा ही खस्ता, अच्छा खस्ता बनता है। अगर रिफाइंड डाल देंगे तो उसमें इतना अच्छा खस्ता पर नहीं आएगा। इस तरीके से डाल डाल के थोड़ा सा मिला देंगे, अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए किस तरीके से हमने बिल्कुल सख्त सा डो तैयार कर लिया, ज़्यादा हमारा ये ढीला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त भी है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए, हमने इसको पूरे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये हमारा आटा सेट हो चुका है, फिर से थोड़ा सा इसको एक बार मिला देंगे अच्छे तरीके से। ये हमने मिला लिया है अच्छे तरीके से इसको। और ये लेंगे एक डो, इसको भी अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। हमने चकला लिया है, इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। और हमने जो डो लिया है इसको हम इस पर रख के रोलर से इसको बेल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने इसको बेल लिया है। और जो ये किनारी है उसको साइड कर देंगे इस तरीके से। किनारी को साइड कर लेंगे।
और हम इसे हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अगर आपको कोई और भी शेप देना हो तो आप दे सकते हैं। ये देखिए हमने इसको काट लिया। देख सकते हैं ये कितना मोटा है, इतना ही मोटा रखें। अगर इसे ज़्यादा पतला बेल देंगे तो क्रिस्पी सा हो जाएगा, वो नमक पारे की तरह हो जाएगा, पतला सा हार्ड सा हो जाएगा थोड़ा। तो इतना मोटा रखें, ये देख सकते हैं इतना मोटा रखें। इसी तरीके से हम सारे खस्ता को तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से जो हमने खस्ता काट के रखा है, खस्ता से कर पा रहे हैं, इसी तरीके से दूसरा भी हम काट लेंगे। जो हमारा बचा हुआ आटा था, जो हमने साइड से काट के रखा था, उसको भी इसमें हमने मिला दिया है इस तरीके से। देखिए देखिए हमारा ये सेट हो गया है, इसको भी हम बेल लेंगे। ये देखिए हमने सारे खस्ता शक्करपारे को काट के तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, ये हमारा एल्युमिनियम की कढ़ाई है। उसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, देख सकते हैं ये हमारा गर्म हो रहा है। ये देखिए हमारा तेल जो है सो रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो हम गैस के फ्लेम को हम कम कर देंगे, क्योंकि हमें खस्ता को कम करके ही फ्राई करना है। तो हम एक एक करके डाल देंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इसे आसानी से अपने घर में बना सकते हैं, कोई फेस्टिवल हो बना के आप कुछ दिन पहले भी इसे बना करके आप एयर टाइट डब्बे में आप रख सकते हैं। ये स्नैक के तौर पे आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। हमने इसमें डाल दिया है, इसे अभी हम चलाएंगे नहीं, कम से कम 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको हम चलाएंगे। ये देखिए हमने इसको 2 मिनट इसको चलाया नहीं है, और अब हम इसको चला देंगे। थोड़ा सा देख सकते हैं गोल्डन गोल्डन सा होने लग गया है ये। अब हम गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे। देखिए हमारा कितना बेहतरीन सा खस्ता शक्करपारे तैयार हो रहा है। आराम आराम से इसे हम पलट देंगे। ये देखिए ये हमारा खस्ता शक्करपारे तैयार है, ये बिल्कुल हमारा गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे, जो हमारा बचा हुआ है उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा खस्ता शक्करपारे तैयार है, देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं आप कितना हमारा ये क्रिस्पी सा बना है, सुन सकते हैं आप आवाज। ये देखिए हमारा ये कितना खस्ता सा हमारा ये बना है। तो ये देखिए ये हमारा खस्ता शक्करपारे तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। और जब इसे बनाएं तो आप एक बात का खास ख्याल रखें, इसमें आप घी ही डालें आटे में, और रिफाइंड ना डालें, और घी आप ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये हमारा जो खस्ता है खस्ता शक्करपारे ये हमारा टूट जाएगा इसे फ्राई करने में। तो घी जो है आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप डालें, ज़्यादा ना डालें और ना ही कम डालें, कम डालने पे ये हमारा खस्ता नहीं बनेगा, तो इस बात का ख्याल रखें। और इसी ऐसे ही आसान रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।